हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगालीर खाना पीना। आज हम बनाएंगे यम्मी टेस्टी डिलीशियस मैंगो स्पॉन्ज केक। इस टाइम तो मैंगो अवेलेबल होते हैं सभी के घर में। हम अपने घर के पेड़ के मैंगो से ये केक बना के दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम से मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये केक, स्पॉन्जी बन के तैयार होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे अपलोड किया हुआ वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। पहले हम यहाँ पर ले लिया है हाफ कप पाउडर शुगर, मतलब चीनी को हम मिक्सिंग जार में ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें ले लेंगे 4 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल। अब चीनी को रिफाइन ऑयल के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना पड़ेगा। चीनी का जो लम्स है उसको भी तोड़ देना पड़ेगा दोस्तों, और एकदम से महीन मिक्स तैयार कर लेना पड़ेगा। देखिए हो गया है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे मैंगो पल्प। यहाँ पर हमने एक मैंगो की पल्प को मिक्सिंग जार में एकदम से फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब चीनी और तेल के साथ मैंगो पल्प को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अगर मैंगो में कोई दाना भाव रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुंह में पड़ने से अच्छा ही लगता है खाने में। अब देखिए, ये छोटे बोल से एक बोल लिया है हमने मैदा, लिया है एक बोल सूजी, और हाफ लिया है हाफ कप के करीब मिल्क पाउडर, मतलब कप के नाप से अगर आप लोगे तो 1 कप लिया है मैदा, 1 कप से थोड़ा कम लिया है सूजी, और हाफ कप के करीब लिया है मिल्क पाउडर। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम मिक्स करके रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको ढक्कन देके कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी है वो थोड़ा सा फूलेगा। अब देखिए, सूजी फूल के बैटर हमारा और भी गाढ़ा हो गया है। अब हम यहाँ पर मिक्सिंग जार को धो के थोड़ा सा जो मैंगो पल्प का पानी था उसको दे दिया है। अब लोग अगर लगे कि मिक्सर थोड़ा सा ड्राई है तो और भी थोड़ा सा पानी इसमें दे सकते हो। अब देखिए, अब इसको फेंटना पड़ेगा दोस्तों। अब जितना फेंटोगे आपका केक उतना ही स्पॉन्जी बनेगा। अब देखिए, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है फेंटते फेंटते। एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर हमको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर दिया है हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी के करीब यहाँ पर दिया है हमने बेकिंग सोडा। अब इसको भी बैटर के साथ हम मिक्स कर लेंगे। आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा बैटर हमारा कितना स्मूथ और फ्लॉपी सा बन के तैयार हो गया है। बैटर हमारा लगभग रेडी हो गया है। अब लोग जितना फेंटोगे यहाँ पर केक आपका उतना ही स्पॉन्जी बनेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 3 स्टील का कटोरी जो है वो ऑयल ब्रश करके रख दिया है। अब उसके ऊपर बैटर को हम हाफ हाफ करके डाल देंगे, हाफ करके ही देंगे क्योंकि ये फूलेगा, उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। अब उसके ऊपर थोड़ा काजू को हम लंबे लंबे पीसेस में काट कर लिया है, उसको भी दे दिए हैं। आप लोगों के पास अगर आलमंड हो तो वो भी दे सकते हो, कोई भी नट्स आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। अब देखिए, हम स्टीम करेंगे दोस्तों। यहाँ पर केक को बेक नहीं करेंगे, स्टीम करेंगे। स्टीम करने पर भी ये केक बहुत ही स्पंजी तैयार होगा। तो एक कढ़ाई में हमने पानी गर्म करने के लिए छोड़ दिया था, उसके ऊपर हम स्टैंड बैठा के यहाँ पर स्टीमर देके उसके ऊपर 2 कटोरी को दे दिया है। 3 कटोरी यहाँ पर दिया नहीं जा रहा था। अब ढक्कन देके यहाँ पर 25-30 मिनट इसको बेक कर लेंगे, सॉरी स्टीम कर लेंगे। देखिए हमारा केक एकदम से फूल के कितना सॉफ्ट और पॉन्जी हो गया है। एक स्टिक के मदद से हम देख लेंगे इसका अंदर का पोर्शन कच्चा है क्या नहीं। अब देखिए, ठंडा होने पर केक को हम उठा लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज ही जालीदार एकदम से तैयार हुआ है हमारा केक। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता है नेक्स्ट कोई वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।